सर विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के दो बार प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिन और रूजवेल्ट के साथ मिलकर एलाइड फोर्सेस को जिताया था। नाम था उनका, पर क्या आप जानते हैं कि 8वीं क्लास में ग्रामर स्कूल में वो फेल हो गए थे अंग्रेजी में। और ये व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हुए एक महान साहित्यकार बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 खंड, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के 4 खंड, ग्रेट कंटेम्प्रेरीज, माई अर्ली लाइफ जैसी किताबें उनको अमर बना गईं। रिटायरमेंट के बाद वो अपना अध्ययन अध्यापन करते रहे। एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अनुरोध किया, आइए ना भाषण दीजिए आकर कन्वोकेशन का। जो ही मालूम पड़ा कि चर्चिल आ रहे हैं, जैसे दुनिया इकट्ठा हो गई, 10,000 लोग इकट्ठे हो गए, विद्यार्थी भी, अध्यापक भी, बाहर के लोग भी। चर्चिल खड़े हुए, अपना हैट रखा टेबल पर और उन्हें भाषण देना शुरू किया। लोगों ने समझा चलेगा 1 घंटा, पर चर्चिल का भाषण क्या था मेरे साथियों, सुनो। नेवर 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 गिव अप, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं हारना। और चर्चिल बैठ गए। लोगों ने समझा बैठकर भाषण देंगे। बोले, दैट्स इट, दिस इज माय मैसेज, मेरा यही संदेश है, जिंदगी में हारना नहीं, टूटना नहीं, और अपने आप को कभी छोटा ना मानना।